हाँ तो विवश हम यहाँ से घर से तैयार हो गए हैं, रेडी हो गए हैं, निकलने लगे हैं घर से। अभी हम लोग जिधर भी जाएंगे आप लोगों को दिखाते रहेंगे हम किधर जा रहे हैं और कौन सी जगह पे जा रहे हैं। नियत जो जो नियत की हुई है वो तो हमारी हरिपुर की है, वो उधर जाके भी आप लोगों को दिखाएंगे हम क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, वो भी आप लोगों को साथ दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप लोग, ठीक है? मैं भी ठीक हूँ। तो बेबो जो है जी, ये जी रही बेबो, बेबो कर रही है अपनी रेंज सारी, ये टका पका कर रही है क्या क्या हमने इसमें गाड़ी में रखना। गाड़ी तो बहुत फुल हो गई है तो इसमें जगह भी नहीं बची, तो जगह देखते हमने हैं बचानी भी नहीं है। जगह बचानी भी नहीं। हम जो है ना वो कैसे देखते हैं, तंग होके बैठते हैं, तंग होके नहीं, खुले बैठेंगे, हाँ बड़ी गाड़ी तंग खुले होगी। बैठेंगे। तो हाँ मैंने बता दिया अपने विवद को कि हम नियत की है हरिपुर जाने की, आगे जिधर आगे जिधर तो कोई पता नहीं है, झूठ मैं वही कह रही, आगे कोई पता नहीं हम किधर किधर जाते हैं, यही मैंने मैंने बोल दिया आपके पहले। एग्जैक्टली हम जी बैठ गए हैं गाड़ी में, घर से निकलने लगे हैं। ये गाड़ी रिवर्स हो रही है, गाड़ी रिवर्स हो रही है जी। जी बिबू जान का मैं ड्राइवर कर रहा हूँ, ध्यान ना किधर सो इसको सोने कुड़ी वेख के ड्राइवर तेन फसा ही ना लवे। अच्छा मैं ड्राइवर हूँ ना, कोई बात नहीं है, मैं आपके साथ अब इधर ही निकलना, बहुत देर से हूँ, कोई अभी थोड़ी पहले नहीं फसाया था, अब कैसे फसाओगे? नहीं आप फसाऊंगा ना, अब मैं बड़ी गाड़ी वाला। अच्छा अच्छा बड़ी गाड़ी वाला हो गया, कोई बात नहीं। अब तो भी बस हम एग्जैक्टली घर से निकल रहे हैं, इधर रास्ते में आप लोगों को दिखा रही कि ये जो कमियाँ पहाड़ों में बन रही है बहुत खूबसूरत लग रही है। हमारा भी दिल कर रहा है इधर ले लें हम भी घर, क्यों जी। ये जी हम रोड पे जा रहे हैं, अभी हम पहुंचने वाले हैं टैक्स टैक्स के करीब, अभी उधर जाके देखते हैं कि हम हरिपुर को जाते हैं कि पेशावर को जाते हैं। पेशावर जाते हैं ब्लॉक पे, बात करवा। ये जी हम निकल आए हरिपुर के लिए, ये हरिपुर का एरिया है, ये भी बहुत खूबसूरत है। ये हम रोड पे जा रहे हैं, तकरीबन 10 किलोमीटर रह गया हरिपुर। इधर भी जो कॉलोनियाँ कट्टी है, ये पहाड़ वगैरह, ये भी बहुत खूबसूरत है। गाड़ी चला रही है साथ, फोन भी सुन रही है, इसको फोन नहीं सुनना चाहिए, गाड़ी चलानी चाहिए, पर ये जो है ना अपने आप को बड़ी मॉडल समझ रही है। मोटर वे पे जा रहे थे, सी सीधे जाना है। हाँ जी मेरे को मोटर वे में जाना था हमने। ओहो देख लो जी, तो विवध हम इधर आके रुके हैं। ये हरिपुर के साथ छोटा सा एक कस्बा है, इधर हमने बोतलें लेनी थी और रोटियां लेनी थी। क्या विलेज है छोटा सा, विलेज कितने खूबसूरत ने, हरियाली ते दरख्त। हाँ जी ये जी हरिपुर के साथ ही है जो विलेज है। तो अभी हम जा रहे हैं जी आगे, हम अभी भी जाना मेरे ख्याल 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर उस गांव का भी हम आपको दिखाएंगे और तारुफ भी करवाएंगे, और जिधर हम जा रहे हैं वो आप लोगों को दिखाएंगे भी। लोकेशन लगाई हुई है, लोकेशन अपना शोर कर रही है, हम अपना शोर कर रहे हैं, हैं? तो हम पहुंच गए हैं जी एग्जैक्टली जिस गांव में हम किसी के वो जगह पे आए हैं, उधर हम पहुंच गए हैं। टर्न लाइफ फिर कर रही, तो इधर लिखा कुछ नहीं हुआ, अभी देखते हैं आगे। ये एक अदारा है, अदारे में हम मिलने के लिए हैं, तो आगे जाके दिखाते कौन सी वाली। अच्छा अच्छा इधर मेरा इधर जाएगा ये रास्ता। तो विवध हम एग्जैक्टली पहुंच चुके हैं, ये एक अदारा है जिधर नशा छोड़ने वालों के ये अदारा बना हुआ है। तो इधर हम आए हैं, इधर 2 बच्चे हमने करवाए हुए हैं, तो हमने कहा कि क्यों नहीं हो तो हम उसका पता कर लें। ये जी अदारा बनाया हुआ है बहुत लोगों ने, ये जो नशे करते हैं लड़के उन लोगों के लिए, इधर जो है खाने का इधर सावरा है, ये इधर खाना बनाते हैं।
इधर इन लोगों ने बच्चों को घूमने के लिए जगह दी है, ये बना हुआ है, ये इधर बच्चे घूमते हैं। वरना वो लड़कों की मैं नहीं लूँगी, ये सारे इधर जो है जिधर। तो यहाँ पर यूसुफ, इधर देखो, ये जी हमारा भांजा है, बाजी की बहन का बेटा है, और वो जो है भतीजा है, ये भी भांजा है। तो ये भाई रह के बस गलत सोसाइटी में बैठ बैठ के नशे नशे पे लगे हुए थे, और आज जो है हम इनसे मिलने आए हैं और इनको यहाँ पे हमने जमा करवाया हुआ है। यूसुफ इधर देखो, तो अभी माशाल्लाह यूसुफ की काफ़ी अच्छी सेहत है। चलो सारे देख लो, जड़ा जड़ा नशा करता है इतने जमा कराने ने, उन्होंने पैगाम दे दे क्या छाड़ दो तो अच्छी गल है। जिन्हें भी तेरे दोस्त है व्लॉग देख रहे हैं, क्या कहना चाहते हो? बस क्या कहेंगे, यहाँ पे ठीक हो? हाँ, सब कुछ है। और माशाल्लाह सेहत भी अच्छी लगी है। पांच टाइम इधर नमाज, दिल सुकून से समझ लो भी नमाज पांच टाइम, और सबक पढ़ते हैं सुबह से लेके ना, कुरान भी पढ़ते हो? कुरान भी पढ़ते हैं, अच्छी बात है। मसलन समझ लो भी 9 बार मैंने कुरान मजीद मुकम्मल कर दी है। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, अब जब बाहर निकालेंगे तो गलती नहीं तुमने करनी, मैं तुम्हारी सिफारिश करूंगी। ठीक है, पहले भी तुम्हें पता ना आंटी, तुम्हारा ख्याल रखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे इनको कुरान पढ़ाया जा रहा है, नमाज पढ़ाई जा रही है, दीन के बारे में बताया जा रहा है, और इनको अच्छा जो है सिखाया जा रहा है। इधर ही काम करो, शादी करके इधर ही गांव में तुम्हें छोटा सा घर बना देंगे, यहाँ पे जॉब करना। यहाँ पे मैंने वो लोग भी देखे हैं जो नशे की हालत में आए थे और ठीक होने के बाद यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, इन सब की केयर करते हैं। जो लोग ऐसे आते हैं जिनकी हालत ख़राब होती है, जो बिल्कुल अपने आप खो बैठते हैं, ज़हनी तवाज़ुन ख़राब हो जाता है, नशे के इंजेक्शन लेते हैं, अपने जिस्म को काटते हैं, ऐसे लोग भी यहाँ पर हमने देखे हैं। तो दायरे का नाम भी मैं आगे चल के मेंशन करती हूँ, अगर किसी को कोई ऐसा प्रॉब्लम में कोई है तो वो यहाँ पे आए और अपना इलाज करो। ऐसे ही है ना, हाँ, वो दायरे के बारे में बता देंगे। आप ज़रा बोलें क्या क्या चीज़ है? सही सही, हरिपुर से आगे थोड़ा सा ये एक गांव है, तरबेला गांव के किनारे, तरबेला जी के किनारे पे एक गांव है, आखिरी गांव है। जी सही सही, तरबेला डैम, ये नहर जा रही है, दौड़ा हम इसको पंजाबी में कहते हैं, डैम नीचे है सामने, तरबेला जी जो है तरबेला डैम। ਇਹਨਾਂ ਬਿਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਸਾਂ, ਇਹਨੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਿਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇ ਲੈ ਜਾ ਇੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਫੌਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੁਡਾਲੇ 'ਤੇ ਸਾਂ ਡਰਾਈਵਰੀ 'ਤੇ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫੌਜੀ ਨੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਜੁਗਾ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗਾ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਛੋੜ ਛੋੜ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਰੂੜੀ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਸੁਝਾ ਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਲ 'ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। चलो अल्लाह ताला रहम करे, जड़ी ये एक पीस ही काट लिए तो ये बताने लगे हैं, ये खाना हमारे घर से बना के लाए हैं बच्चों के लिए, तो ये बच्चे खाना भी खाएंगे, फ्रूट भी लेके आए हैं, साथ बोतलें भी हैं, तो ये हमारे साथ बैठ के खाएंगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि बच्चे हमारे साथ बैठ के खाना खा रहे हैं। ये बेबो साहबा तो चेयर में बैठी, ये नीचे आ नहीं सकती। आप किधर के हो बेटा? अच्छा अच्छा, ये पिंडी की। तो ऐसे ही काफ़ी लोग हैं इधर जो नशा करते हैं आइज़ का पाउडर का, तो छोड़ते नहीं हैं, टीके लगाते हैं, तो ये बहुत उन लोगों ने अच्छा दारा बनाया हुआ है तो इधर दाखिल करते हैं। तो ये नमाज के साथ और ऐतल कुर्सी जैसे वो कुरान के साथ करते हैं, मेडिसन बिल्कुल नहीं देते हैं, ये ऐसे ही तो ये नमाज के तौर ही छोड़ते हैं, ऐसे कोई मेडिसिन नहीं लेते हैं या कुछ करते छोड़ते हैं। चलो जी हम खाएंगे भी खाना बच्चों के साथ ही बैठ के, हम चिकन बना के लाए थे तो उनके मुझे याद आ गया
मैंने कहा थोड़ी सी इसकी माँ की भी बनाती है, अपने बेटे के साथ बैठी खाना खा रही है जी। इधर इसको आज बहुत सुकून आ गया, बहुत दिन से बहुत परेशान थी अपने बेटे को मिलने के लिए, आज बेटे के साथ बैठी है। ये दोनों ही बहुत हैप्पी हैं, कहते हैं कि हम बहुत खुश हैं इधर, जैसे ये रहे, ये इन लोगों के लिए सामान लेके आए साथ, कपड़े वगैरह ईद के, ये गिफ्ट, ये शरीफ के लिए ये कपड़े हैं शरीफ के, ये फ्रूट बोतलें और साबुन वगैरह और चीज़ें हैं। तो अल्लाह ताला इन लोगों को तंदरुस्ती सेहत दे, जितने भी इधर हैं अल्लाह ताला सबको तंदरुस्ती सेहत दे। तो इन लोगों को ये नशे से ये अल्लाह ताला इनको निजात फरमाए, तो इनको नेकी की हिदायत दे। तो बाहर आके शरीफ के तो बच्चे हैं, तो इस जो है ना इसकी भी इंशाल्लाह शादी करनी है। चलो ठीक है फिर, इंशाल्लाह नेक्स्ट ईद के बाद आएंगे हम, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। तो अभी बस जैसे इधर हम मदारे से निकले हैं, ये अभी फिर बता दें कि इधर हम दो बच्चे हैं, ये ड्रग यूज़ करते थे इन लोगों को, हमने इधर दाखिल कराया उन लोगों के पीछे आई थी। ये इधर इसका एरिया है, ये गाँव है, लोगों के पास 120 लोग थे जिन लोगों को ये हैंडल कर रहे हैं और जिनको ठीक कर रहे हैं, और कुछ लोग ठीक होके जा चुके हैं। ये कहते हैं कि 45 ईयर हो गए हैं ये हमारा जो है ना चल रहा है। अच्छा, उसके बाद कहता है अभी पता नहीं 50 साल होने वाले हैं। अच्छा। तो बहुत लोग इधर से सही होके गए, अभी इन लोगों को देख के और लोग बना रहे हैं सही। और भी जो लोगों ने दारे बनाए ना, तो काफी किया ये ऐसे गाँव सा एरिया है। अभी इसके साथ ही जो है ना डैम है, अभी हम देखते हैं उधर। ये देखे तुम, हाँ जी, इधर ये इधर लोगों ने बहुत पाले हुए हैं दुम्बे, इधर काफी लोग घड़ियां भर भर के लेके जा रहे हैं लाहौर दूसरी जगह में। इधर सामने पहाड़ों में डैम आ गया, ये देख रहे हैं आप, हम पहुंच ही गए इधर। जैसे हम आए तो पहले ही बोलते हैं कि हम एक तीर में दो या तीन निशाने लगाते हैं, आज फिर दो निशाने लगा दिए हैं। यूसुफ लोगों तो, को भी मिल लिया। हाँ जी, यूसुफ लोगों को मिल गया। ये नहीं पता था हमें कि डैम इधर साथ ही है। मैं फर्स्ट टाइम ही आ रही हूँ, पहले रही तो मैं पाकिस्तान में हूँ, तो इतना ज्यादा नहीं घूमी हूँ। बच्चे आते रहे डैम में, मुझे काफी दफा कहा है कि चलो अम्मी डैम में चलते, मैंने कहा नहीं। तो आज इधर बच्चों को मिलने के लिए, यूसुफ और शरीफ को मिलने के लिए आए हैं, तो आज हमने डैम भी देख लिया। इसके घर के करीब ही है वो जो है, हॉस्टल वाला कह रहा था कि ये जब पानी आता ज्यादा, कह रहा था कि ये सारा पानी आ जाता है ये जगह पे, इस जगह पे हाँ जिधर हम जा रहे हैं इधर तक पानी कहता, उधर हमारी घर के करीब चला जाता है, जब ज्यादा पानी आता है ना तो उधर चला जाता है। एग्जैक्टली विवाद हम पहुँच गए हैं ये जी टाइम में, ये आप देख रहे होंगे किश्तियाँ बीच में चल रही हैं। ये मैंने पहले भी बताया कि हमने फर्स्ट टाइम इधर आए, इधर बहुत लोग आए हैं देखने के लिए। हम कह रहे थे कि पता नहीं हम अकेले हैं, वरना इधर काफ़ी लोग हैं, तो इधर भी रश बना हुआ है, इधर भी काफ़ी जो है ना इधर किश्तियाँ चल रही हैं सेम जो कराची में होती हैं ऐसे ही हैं। अभी हम भी देखते हैं, हम भी इसका विजिट करते हैं, अंदर जाते हैं कि नहीं वो कश्ती में बैठ के। ये साथ पहाड़ भी है, अच्छा 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 जी। ये जी बेबो जा रही है नीचे पानी में नहाने के लिए, हैं लगता नहीं है। जैसे वो लस्सी गिर गई थी ऐसे अगर गिर गई तो फिर दोबारा मुझे वीडियो आपकी बनानी पड़ जाएगी। मैंने कहा आप वीडियो बनाती रहे ना। हाँ जी, तो ऐसे इधर हरियाली भी काफ़ी है, उस साइड में हरियाली है, इधर लोग जो है बहुत ठंडा मौसम बना हुआ है, बहुत ही अच्छा लग रहा है कि जैसे गर्मी का बिल्कुल इधर ही चल रहा है कि गर्मी होगी, बहुत अच्छी जो है ना हवा आ रही है ठंडी ठंडी। तो हो सकता है कि आज हम फिर इधर ही ठहरेंगे। बेबो जाना है कि इधर ही ठहरेंगे आज? अच्छा अच्छा, पानी के किनारे में रात को चाहे ज्यादा आ जाए पानी है। ये भी नीचे जा रही है पानी में, कहती है पांव रखने। ओ जी हम पानी के बिल्कुल करीब आ गए, मैंने कहा पहले बेबो जाए तो उसको देखते हैं फिर हम जाएंगे। अभी हम आए हैं, ये अभी देखते हैं किश्तियों में बैठते हैं कि नहीं बैठेंगे।
हवा बहुत चल रही है ठंडी ठंडी। तो बाजी जा रही है अभी पानी के पास, ये चली गई है ये देखें। हाँ थोड़ा जो ऊंचा बोलो ना। मैं क्या सेम कराची वाला सीन लग रहा है कि जैसे हम समंदर में आए हैं। हाँ किनारे में खड़े हैं तो अच्छा लग रहा है, पानी भी ठंडा है। इसके साथ तो मेरे ख्याल में व्लॉग मेरा काफी हो चुका है। जी ये पीछे देखें किश्तियां देखें और पहाड़ देखें और बाजी को देखें। किधर परे पानी चला चले जाना। आ जाओ वापिस। ओके व्यूअर्स अल्लाह हाफिज़।